हे गाइस वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। गाइस आज वाली वीडियो में मैं आप लोगों को ब्लूस्टैक्स 4.240 की परफेक्ट सेंसिटिविटी एंड परफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बताने वाला हूं। गाइस आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ब्लूस्टैक्स 4.240 पे। उस वीडियो पे आप लोगों ने काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया। उस वीडियो के नीचे गाइस ज्यादातर कमेंट्स यही थे कि इसकी परफेक्ट सेंसिटिविटी क्या है। उसके अलावा आप लोगों में से काफी लोगों ने ये भी कमेंट किए हुए थे कि इसमें हम लोग कस्टम डीपीआई कैसे ऐड कर सकते हैं, इसमें बीएस ट्विकर को कैसे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा गाइस इसमें अगर आप लोग FPS को इंक्रीज करना चाहते हो तो वो भी इजीली आप लोग इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास एक ऐसा PC है जिसमें कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ, और यहाँ पे मैंने जो ब्लूस्टैक्स है इसकी कॉन्फ़िगरेशन में मैंने 1 कोर और 2 GB रैम जस्ट असाइन की हुई है, फिर भी यहाँ पे मेरे पास 50-60 कॉन्स्टेंट FPS आ रहे हैं। तो इस तरह से गाइस आप लोग इन कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हुए अपने FPS को भी इंक्रीज कर पाओगे, साथ ही में आप लोगों को परफेक्ट सेंसिटिविटी एंड परफेक्ट की मैपिंग भी मिल जाएगी, जिसको यूज करते हुए आप लोग अपने गेम प्ले को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को इस तमाम प्रोसेस की अच्छी तरह से समझ आ सके। तो चलें गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने यह करना है कि आप लोगों ने अगर इस ब्लूस्टैक्स वर्जन को डाउनलोड नहीं किया हुआ तो सिंपली आप लोगों ने मेरे चैनल पे आना है, और यहाँ पे गाइस आप लोगों को ब्लूस्टैक्स लाइट की एक वीडियो मिल जाएगी जो कि मैंने 8 दिन पहले ही अपलोड की है। सो सिंपली आप लोगों ने इस वीडियो से ब्लूस्टैक्स लाइट को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद गाइस आप लोग सिंपली से इसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद गाइस सिंपली से हम लोग ब्लूस्टैक्स 4.240 की सेटिंग्स को ओपन करेंगे। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे गाइस अगर आप लोग इंजन में आते हैं तो यहाँ पे चलें सबसे पहले मैं इसके जो FPS होते हैं उनको डिस्प्ले कर देता हूँ। उसके बाद सिंपली से गाइस आप लोग आ जाएंगे एडवांस में। एडवांस में आप लोगों ने यहाँ पे क्रिएट अ कस्टम प्रोफाइल पे क्लिक करना है। मैन्युफैक्चरर में आपने ASUS लिख देना है। उसके बाद अगर ब्रांड में आएंगे तो वहाँ पे भी हम लोग ASUS टाइप कर देंगे, और यहाँ पे गाइस जो मॉडल नंबर होगा यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान से इसको पुट करना है। यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली टाइप करना है ASUS_AL2201। उसके बाद सिंपली आप लोगों ने ये मॉडल नंबर पुट करने के बाद सेव पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे गाइस हमारे पास ब्लूस्टैक्स लाइट की ये वाली सेटिंग्स हो जाएंगी। उसके बाद सिंपली आप लोगों ने अपने मोबाइल या फिर PC में कोई सा भी ब्राउजर ओपन करना है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को BS ट्विकर की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक पिन कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा। तो सिंपली आप लोगों ने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ से BS ट्विकर को डाउनलोड करेंगे। आप लोगों के पास यहाँ पे डाउनलोड लिंक 1 और 2 दोनों मिल जाएंगे। समटाइम्स इनमें से एक लिंक जो है वो वर्क नहीं करता, तो आप लोगों ने डाउनलोड लिंक 2 पे क्लिक करना है तो आप लोगों का जो BS ट्विकर है वो नीचे की जानिब डाउनलोड हो जाएगा। सो यहाँ पे गाइस हमारे पास BS ट्विकर डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद हम लोग ब्राउजर को कर देंगे क्लोज, और क्लोज करने के बाद यहाँ पे गाइस ये एक zip फाइल होगी। इसको अनजिप करने के लिए आप लोगों ने इस पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कर देना है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद गाइस आप लोगों के पास BS ट्विकर 5 का एक फोल्डर मिल जाएगा। इसको हम लोग सिंपली से ओपन करेंगे, और यहाँ पे इसकी एक exe फाइल होगी ब्लूस्टैक्स ट्विकर 5 की। इसको सिंपली से आप लोगों ने ओपन कर लेना है। यहाँ पे गाइस BS ट्विकर को ओपन करने के बाद अगर तो आप लोगों के पास बैकग्राउंड में ब्लूस्टैक्स चल रहा होगा तो ब्लूस्टैक्स और ADB के साथ आप लोगों को ग्रीन डॉट्स देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि फोर्स स्किल पे क्लिक करके तो ब्लूस्टैक्स को बैकग्राउंड से क्लोज कर देना है। जैसे गाइस यहां पे हमारे पास ब्लूस्टैक्स बैकग्राउंड से क्लोज होगा तो ब्लूस्टैक्स एंड ADB के साथ जो डॉट्स ग्रीन थे वो यहां पे रेड हो जाएंगे। गाइस जैसे ही ये डॉट्स रेड होंगे तो आप लोगों ने सिंपली कॉन्फिग पे क्लिक करना है। उन कॉन्फिग पे क्लिक करने के बाद DPI में आप लोगों ने सिंपली 485 DPI को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली से आप लोग अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, और नीचे की जानिब आप लोगों के पास DPI के साथ ट्रू लिखा आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि ये वाली जो DPI है वो अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद गाइस सिंपली से आप लोग मेन में आएंगे और यहाँ पे स्टार्ट BS पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लोग स्टार्ट BS पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ब्लूस्टैक्स यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। यहाँ पे गाइस ब्लूस्टैक्स को ओपन करने के बाद आप लोगों ने सिंपली इसमें फ्री फायर को ओपन करना है। सो गाइस जब तक फ्री फायर इसमें ओपन होती है तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोगों में से जितने भी लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, बिकॉज गाइस फ्री फायर से रिलेटेड जितना भी हेल्पफुल कंटेंट है तो वो मैं अपने इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। सो यहाँ पे गाइस हमारे पास फ्री फायर ओपन हो चुकी है। फ्री फायर को ओपन करने के बाद आप लोग सिंपली फ्री फायर की सेटिंग्स में आ जाएंगे, और सेटिंग्स में आने के बाद अगर हम लोग सेंसिटिविटी की बात करें तो जनरल को आप लोगों ने 0 पे सेट कर देना है, रेड डॉट को 85 पे, 2x स्कोप को 75 पे, 4x स्कोप को 63 पे, और स्नाइपर स्कोप को आप लोगों ने 44, एंड जो फ्री लॉक होगा उसको भी हम लोग 44 ही रहने देंगे। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली कंट्रोल्स पे क्लिक करके कस्टम HUD में आ जाना है। उसके बाद सिंपली हम लोग यहाँ पे ब्लूस्टैक्स की मैपिंग को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जैसे यहाँ पे गाइस मैंने एक्स एंड वाई वैल्यूज रखी हुई हैं तो सिंपली से आप लोगों ने भी इनको फॉलो कर लेना है। उसके अलावा गाइस यहाँ पे ब्लूस्टैक्स में जो डिफॉल्ट ट्वीक्स होता है वो 16,450 होता है, लेकिन
लेकिन आप लोगों ने इससे पहले 9488 लगा देना है। इस तरह से गाइज आप लोगों ने यहाँ पे की मैपिंग को करवा देना है सेव। उसके बाद यहाँ पे गाइज जो मैं माउस यूज करता हूँ उसकी मैं डीपीआई यूज करता हूँ 1400। आप लोगों के पास जो भी माउस हो आप लोग उसकी डीपीआई को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने लास्ट स्टेप में ये करना है कि विंडोज आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है पॉइंटर ऑप्शंस। तो यहाँ पे आप लोगों के पास चेंज दी माउस पॉइंटर डिस्प्ले और स्पीड का ऑप्शन आ जाएगा। इसको आप लोग सिंपली ओपन करेंगे और यहाँ पे गाइज ये जो टिक होगा इनहांस पॉइंटर प्रिसीजन ये आप लोगों के पास चेक होगा बाय डिफॉल्ट। आप लोगों ने इसको अनचेक करना है, अप्लाई एंड ओके पे सिंपली क्लिक कर देना है। सो गाइज इस तरह से इन सेटिंग्स को करने के बाद आप लोग ब्लू स्ट्रेक्स 4.240 पे इजिली फ्री फायर को प्ले कर सकते हैं। सो गाइज फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी चीज अगर आप लोगों को समझ में ना आई हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हर कमेंट का टाइमली आंसर कर सकूं। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।